सो नेक्स्ट सेक्शन जो है हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था इन प्रीवियस मॉड्यूल कि एच ओ मॉडल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करवाते हैं पहला पार्ट हमें एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से ट्रेड के पैटर्न्स होते हैं अमंग टू नेशंस रिमेंबर हम लोगों ने जब एजम्पन्स पढ़े थे एच ओ मॉडल के तो उसके अंदर हम लोगों ने टू कंट्रीज़ टू कमोडिटीज़ एंड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मॉडल एज़्यूम किया था इन दैट केस जो फर्स्ट सेक्शन था पैटर्न्स ऑफ ट्रेड वो हम लोग प्रीवियस मॉड्यूल्स में कवर कर चुके हैं जहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि आपके पास जो लेबर अबंडेंट कंट्री है वो उस चीज़ की प्रोडक्शन करेगा जहाँ पे लेबर ज़्यादा यूज़ हो रही है और दूसरा कंट्री कैपिटल अबंडेंट अगर होगा तो वो उस चीज़ को प्रोड्यूस करेगा जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा बेसिकली जो सेकंड हाफ था एच मॉडल का इसको बेसिक एच मॉडल पैटर्न्स ऑफ ट्रेड एंड देन उस ट्रेड के रिस्पेक्ट जो रिज़ल्ट के तौर पे जो उसकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम लोग देखते हैं फैक्टर प्राइस इक्लाइजेशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्शन के अंदर कि किस तरीके से जो है वो आपके पास ट्रेड आपकी फैक्टर प्रोडक्शन की प्राइस को चेंज करती है तो इस सिलसिले के अंदर जो एक काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं पॉल सेमिल्सन नाइनटीन सेवेंटीज़ में इनको इस काम के ऊपर नोबेल प्राइज़ भी मिला उन्होंने एच ओ मॉडल की एक्सटेंशन की या आप ये कह सकते हैं कि जब उसको टेस्ट किया गया एच ओ मॉडल को और उसका नेक्स्ट जो सेक्शन था उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि आपके पास जो फैक्टर प्राइस फैक्टर प्राइसेस हैं जैसे अगर हम बात करें आ, लेबर की तो जो वेज है वो उसकी फैक्टर प्राइस है और इसी तरीके से कैपिटल की इंटरेस्ट रेट है तो इन्होंने इस एक थेरम की फॉर्म के अंदर अपनी फाइंडिंग्स को निकाला अपनी रिसर्च की जिसको बाद में नाम दिया गया फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थेरम और इसी वजह से बाज़ात एच ओ मॉडल को एच ओ एस मॉडल भी कहा जाता है यानी कि क्शर ओलन सेमल्सन मॉडल जिसके अंदर तमाम जो दोनों एक अफेक्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड के एंड और पैटर्न्स पहला पैटर्न्स एंड देन फिर इफेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर जो एच ओ एस थेरम का नाम दिया जाता है जिसको अब इसमें आ, ये भी बताया गया कि आपके पास एक तो फैक्टर प्राइसेस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा विद इंटरनेशनल ट्रेड रिमेंबर हमने ये पढ़ा था कि दो नेशन हैं पहली नेशन जो है वो लेबर अबंडेंट है और एक्स गुड वो प्रोड्यूस कर रही है और नेशन टू जो है वो कैपिटल अबंडेंट है और वो कमोडिटी वाई प्रोड्यूस कर रही है जहाँ पे कैपिटल का यूज ज़्यादा है तो इससे इस, इस थेरम के अंदर ये डिस्कस हो रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम नेशन वन के अंदर वेज रेट्स के ऊपर किस तरह चेंजेस आएंगी और इंटरेस्ट रेट के ऊपर नेशन टू के अंदर किस तरह चेंज आएंगी हम लोग हर स्टेप के ऊपर कुछ ना कुछ एजम्पन्स को भी साथ डिस्कस करते चले जाएंगे कि अगर सपोज़ ये एजम्प्शन रिलैक्स uh, कर दिया जाए या इस एजम्पन की प्रेजेंस में सिचुएशन क्या बनती हैं ये हम लोग नेक्स्ट कुछ मॉड्यूल के अंदर एच मॉडल को विद रिस्पेक्ट टू देयर एजम्पन्स भी है जो कॉन्सेप्ट uh, हैं उसको भी डिस्कस करेंगे एंड देन उस प्राइसिस के बाद जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है इसको भी हम लोग जो है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर एच uh, ओ इस मॉडल के अंदर जो है वो डिस्कस uh, करते हैं कि आपके पास इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है आपके पास नॉर्मली लेबर साइड जो है वो एक सेक्शन पाया जाता है सोसाइटी के अंदर और एक कैपिटलिस्ट होते हैं दूसरी साइड के ऊपर तो इन दोनों का बैलेंस किस तरीके से होता है या किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड इनको अफेक्ट करती है अब ये अफेक्ट भी डिफरेंट तरह के होंगे सपोज़ अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे अफेक्ट्स डिफरेंट आएंगे वहाँ पे क्योंकि लेबर अबंडेंट, ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ हो रही होती हैं लेबर एक्सेसिव होती है टेक्नोलॉजी कम होती है कैपिटल कम होता है जबकि दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं नॉर्मली ये पैटर्न पाया जाता है कि वो कैपिटल अबेंडेंट होते हैं तो इस केस के अंदर जो पॉल सेमिल्सन जो है वो बेसिक ट्रेड थेरी को जो हम लोगों ने एच ओ मॉडल की फॉर्म के अंदर देखा था फैक्टर एबंडेंस की फॉर्म जो मॉडल था उसकी एक्सटेंशन डिफरेंट जो है सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अंदर भी डिस्कस करता है कि किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अमंग पीपल ड्यू टू द इंटरनेशनल ट्रेड और प्री ट्रेड एंड आफ्टर ट्रेड Uh, जो दो एरास uh, की हम बात करते आए हैं पिछले मॉडल्स के अंदर तो मेजर फोकस यहाँ पे जो पोस्ट ट्रेड इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर होगा और किस तरीके से ये ओवरऑल uh, जो है कंट्री की डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अफेक्ट करेगा